उत्तर प्रदेश के उन्नाव के मियागंज ब्लॉक के अंतर्गत कुल्हा अटोरा गांव में शासन से एक गौशाला बनवाया गया, लेकिन जब वहाँ हकीकत देखी गई तो वहाँ वो हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। ना तो गौवंशों के लिए वहाँ खाने के लिए हरा चारा है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना तो चोकर की कोई व्यवस्था की गई है। गौवंशों का समय से इलाज तक नहीं होता है। बीमारी की हालत में गौवंश जूझ रहे हैं। आए दिन तड़प तड़प कर गौवंशों की मौत हो रही है। जिम्मेदार जिले के उच्च अधिकारियों की सब मिली भगत से ही पूरा खेल हो रहा है। गौशाला के केयरटेकर ने गौशाला का राज खोला और बताया कि गौशाला में 4-5 गौवंशों की मौत हो चुकी है, उनको उनके सामने फेंका जा चुका है। गौशाले में नहीं होंगे, उससे अधिक ज्यादा बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है कोई नहीं आते आपके यहाँ, कोई जांच पड़ताल ही नहीं होती है, कोई अधिकारी नहीं आते, कोई अधिकारी नहीं आता, ना तो गांव की कोई सुरक्षा देखभाल, कोई कुछ नहीं, कोई साफ सफाई। सर आप जानकारी कर लो कितनी है और कितने गोरु घूम रहे हैं गांव में, कोई हमारे खेतन में बची। अच्छा, तो क्या लगता है आप लोगों की फसल को भी नष्ट करती होंगी? सर कुछ नहीं रह रहा, मजबूरी साहब है, क्या करी, जंगल ले जाते हैं। अच्छा, जंगले जंगल में। अच्छा, कितनी का ले जा चुकी हो? 4-5 मरी। 4-5 ले जा चुकी हो? बस और नहीं लगे। अच्छा, तो यहाँ पर कोई जिले के अधिकारी आते हैं? जिला अधिकारी एक दिन आए थे बस, कल डॉक्टर भी आए थे परसों, दो लगा के बाकी नहीं आवत।